सो मुझसे बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक S11 में यूट्यूब हम कैसे चला सकते हैं, वो हमें वीडियो बना के दिखाइए। तो आज मैंने आपके लिए फाइनली वो वीडियो बना ही दिया। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छी चीज लगी मुझे कि आप यूट्यूब चला सकते हो स्कॉर्पियो क्लासिक S11 में। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है क्षितिज, आप देख रहे हो इंजन विद थीवीज। लेट्स बिगिन। सबसे पहले वाईफाई में गए यहाँ से, ठीक है, ऑन। अब आप वाईफाई का पासवर्ड डाल के इसको कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। हाँ, अब ये, अब आप होम में जाओ, सेटिंग में गए, एप्स में गए, एप्स में, इसमें यूट्यूब डाउनलोड नहीं कर सकते है ना, अकाउंट गूगल, गूगल अकाउंट, जब आप एड्स बाय गूगल पे जाते हो तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्रोम खुलता है। तो यहाँ पे आप चाहे तो यूट्यूब चला लो, चाहे आप जीमेल चला लो, कुछ भी चला सकते हो अपने एंटरटेनमेंट के लिए। इसको आप 9 इंच का एक टैब ही समझो। यहाँ पे मुझे कोई भी प्ले स्टोर या ऐप स्टोर देखने के लिए नहीं मिला जिसकी मदद से मैं यूट्यूब का पर्टिकुलर डेडिकेटेड ऐप डाउनलोड कर सकूं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, YouTube फाइनली स्कॉर्पियो क्लासिक S11 में खुल चुका है। फुल ऑन एंटरटेनमेंट ले सकता अपना। ये मेरा चैनल नेम है, इंजन विद थीवीज। 15,500 सब्सक्राइबर्स है ये चैनल, देखा ना आपने। इसी बात पे सब्सक्राइब कर लो, 20,000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है यार, कर दो जल्दी से। से अभी मैंने ये देखो लेटेस्ट बनाया है ना, टर्बो स्पोर्ट्स पे एक्सयूवी आ रही है ना अपनी, VW300 टर्बो GDI इंजन के साथ लॉन्च कर दी गई है, जहां पे इसका नाम रखा गया है महिंद्रा XUV300 टर्बो स्पोर्ट सीरीज। आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो यहां पे एक चीज और अच्छी लगी कि आप फुल HD 1080p पे भी कोई भी यूट्यूब वीडियो देख सकते हो। आई गेस ये तो इंफोटेनमेंट सिस्टम फुल HD रेजोल्यूशन पे नहीं है, पर हाँ 1080p वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। वीडियो बफर इसलिए हो रहा है बिकॉज नेट की स्पीड ज्यादा तेज है नहीं। अगर टच रिस्पॉन्स की बात करें तो डिसेंट है, ज्यादा खराब भी नहीं है, ज्यादा अच्छा भी नहीं है, एकदम मिडिल में लाई करता है। करता हूँ, मैं हूँ आपका होस्ट क्षितिज द्विवेदी। फाइनल अच्छा, मतलब अपन जाएंगे होम में, ठीक है, ये आपके भी काम की चीज है। आप जैसे कस्टमर को दिखाना चाहो कि यूट्यूब भी चलता है इसमें, तो ये आपके स्कॉर्पियो के लिए बहुत अच्छी चीज हो। सबसे पहले अपन गए सेटिंग में, ठीक है, अब इसके बाद अपन गए गूगल पे, एड्स में गए, एड्स बाय गूगल पे, यहाँ यूट्यूब सर्च किया, आपका किस चीज का सिम है? एयरटेल। तो भी इतना फास्ट है।
ये YouTube इसमें चल गया। पर जहां तक मुझे लगता है मैंने बहुत ज्यादा इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को देखा, ऑब्जर्व किया, गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर आपको नहीं मिलता जिससे आप कोई ऐप डाउनलोड करो यहाँ पे। हाँ, वाईफाई से आप कनेक्ट करके यूट्यूब चला सकते हो। तो ये है YouTube चलाने का प्रोसीजर स्कॉर्पियो क्लासिक S11 में। इसके अलावा आप इसी गूगल क्रोम में Gmail सर्च कर सकते हो, अपने मेल वगैरह चेक कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। अगर आपको मोबाइल पेयर करना है देन आपको कारबिट लिंक का एप्लीकेशन अपने एंड्रॉयड फोन में डाउनलोड करना पड़ेगा और इसको कनेक्ट करना पड़ेगा USB पोर्ट से जो गाड़ी में दिया है उसकी मदद से। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को भी इसमें मिरर कर सकते हो। कैसा लगा आपको वीडियो? आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सबसे ज्यादा सिंपल तरीका जो है यूट्यूब चलाने का स्कॉर्पियो क्लासिक S11 में वो यही है, आपको गूगल क्रोम पे जा करके यूट्यूब सर्च करके ही यूट्यूब चलाना पड़ेगा। तो बाकी आप बताइए और कोई तरीका हो इसका। बाकी मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत कोशिश करी, तब जा करके मैं इस पड़ाव में पहुंच पाया हूँ कि आप सबके लिए ये वीडियो लेके आ सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी सो पेशेंसली एंड बाय बाय।